वो तो आज देखे वीडियो वाले, मुझे उम्र हो गई इनके साथ। तभी तेरे एक वीडियो चाड़ी थी ना। उड़ा रहे हैं स्टेज पर कोई है। काम है यहाँ पर, खास करके डिपार्टमेंट के लोग भी आने चाहिए, सरपंच साहब ने भी आने चाहिए, देखने चाहिए। अगर हम ठेकेदारों में किसी किस्म की गलतियाँ हो गई वो साथ साथ में निकलनी भी चाहिए। तो बाद में बाकी आपका शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम तक यहाँ पहुँचे, हमारे काम को यहाँ देखा, और सरपंच साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने ऐसे काम रखवाए। और दूर दराज इलाका है यहाँ, जो है टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। और अगर मेरे ख्याल में सोचा जाए कि इस ठेकेदार को अगर ये काम नहीं होता तो दूसरा ठेकेदार यहाँ पर कोई काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ दूर है, टाइल जो है वो जम्मू से लाई गई है, मटेरियल बहुत दूर है, कोहरे का सीजन है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सरपंच का कि जिसने इतनी मेहनत करके यहाँ काम रखवाया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा अकरम और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK अपडेट। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं भलेसा के एक दूर दराज इलाका जिसको खड़ंगल के नाम से पुकारा जाता है। तो आपने देखा पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसमें पंचायती इलेक्शन को लेकर सियासी हलकों में काफ़ी हलचल देखने को मिली। बहुत सारे जो पुराने चेहरे थे वो भी मैदान में कूदने के लिए तैयार, बहुत सारे नए चेहरों का भी इस साल हमें सामना करना पड़ेगा 2023 में। तो कुछ सरपंच हजरात जो थे वो जीरो पर ही आउट हो गए। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम पिछले सेशन की बात करें तो कुछ लोगों ने सेंचुरियां लगाई और कुछ लोगों ने डबल सेंचुरियां भी लगाई। डबल सेंचुरी का मतलब ये है कि खड़ंगल पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ के सरपंच साहब ने जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा काम किए कि आवाम के दिल जीत लिए। हमने कुछ लोगों को कैमरे के सामने से भी ऑन रिकॉर्ड बात की, कुछ बैक कैमरा से भी बात की, और लोगों ने सरपंच साहब की काफ़ी अच्छी तारीफ, जम के तारीफ की। लोगों के कहने के मुताबिक उनका कहना है कि यहाँ पे जिसका कोई इंडिविजुअली मसला था, चाहे वो राशन का मसला हो, पेंशन का मसला हो, या कोई और इंडिविजुअली काम हो, तो सरपंच साहब ने उनकी उम्मीदों पर पूरा काम किया। उसके अलावा बिजली, पानी, सड़क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर लिहाज से जो है हर एक कनेक्टिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिली। हालाँकि ये जो पहाड़ी इलाके, फार फ्लंग इलाके हैं, इनमें रोड पहुँचाना बहुत मुश्किल है। कहीं रोड अगर जाती भी है तो सीधा गांव के लिए एक सर्वे पे ही जाती है, लेकिन इन्होंने हर मोहल्ले को यहाँ पे टच किया है। तो हर कोई इनके ही गाने गा रहा है यहाँ पे, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। इनकी पंचायत की अगर हम बात करें और अड़ोस पड़ोस के जो पंचायतें हैं वो लोग भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर इनसे ही जानते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया है यहाँ पे कि लोग इनके दीवाने हो गए हैं, इनकी तारीफें कर रहे हैं। सरपंच साहब, स्वागत है आपका JK अपडेट में। मैं आपका चैनल का JK अपडेट का धन्यवाद करता हूं जो यहां आए और हमारी जो समस्या है हमारे पास आए, हमारी मुश्किल जितनी भी है आप सुनते रहते हैं आगे पीछे, जितने जब भी आपको टाइम लगता है हम बुलाते हैं, आप हाजिर हो जाते हैं। मैं आपका, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। तो जो बात आपने की कि डेवलपमेंट के बारे में या इसके रोडों के बारे में या कुछ भी, मेरे एक का काम है, मेरे साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे साथ दिया। कैसा सपोर्ट रहा एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट के हिसाब से? काफ़ी अच्छे काम हुए, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। मेरे साथ जो थी मेरी पब्लिक, मेरी जो वोटर है, मेरे जो पब्लिक खड़ंगल पंचायत के पूरे जितने भी वोटर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे सरपंच बनाया, सरपंच बना के उन्होंने मेरा साथ दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो गंदो एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM साहब हुए, तहसीलदार साहब हुए, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, SDPO साहब, SHO साहब, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं पूरे तहदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा तन मन धन से मेरा साथ दिया। मैं DC साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी बातें सुनी, जितने में जब भी हम DC साहब को कॉल फ़क्तन करते रहे, DC साहब ने हमारा अच्छा साथ दिया, अच्छा कोऑपरेट किया हमें, और एडमिनिस्ट्रेशन गंदो ने हमारा बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जब किसी कोई ऑफिस से हमारा कोऑपरेट करे, हम उसका कोऑपरेट करें, तो तभी जाके ये काम होते हैं। अकेले आदमी का ये काम नहीं है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साथ ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा साथ दिया, पब्लिक ने साथ दिया,
जहाँ तक जो भी काम हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा, उन्होंने वो एकदम उन्होंने जो बात जो रेजोल्यूशन लेके गया या मैं खुद गया पर्सनली, उन्होंने मेरी बात को रद्द नहीं किया, उन्होंने जो बात की तो उसको पूरा किया। देखिए कुछ कमियां हैं, जैसा कि कुछ लोग मैं रास्ते में आ रहा था, यहाँ पे एक पहाड़ी पे एक मंदिर है, वहाँ पे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहाँ पे टाइल वर्क हो रहा था, कुछ लोगों के साथ हमने वहाँ पे भी बात की तो उन्होंने रोड को लेकर काफ़ी मांग की थी। तो आप किस किस्म का प्रयास करेंगे वहाँ पे रोड पहुँचाने का, और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी, और आपका क्या नेक्स्ट प्लान है? मेरा यही है, एक मंशूर है मेरा कि जहाँ वो अमृत सरोवर का एक तालाब बन रहा है किल्लू मंदिर के पास, किल्लू नाग के पास, वहाँ मेरा एक दिल में एक मंशूर है कि वहाँ रोड की कनेक्टिविटी जो है वो हम ज़रूर पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। वहाँ प्रोजेक्ट भी DPR वहाँ की बन गई है, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वहाँ रोड चंद ही महीनों में उस रोड का काम शुरू हो जाएगा और वहाँ पाई तकमील तक उस रोड का हम पहुँचाएँगे। और बाकी रोड आपने रोड का जिक्र किया, रोड जैसे रैला टू कोटा टाप जो रोड है, ये हमारी कुछ कमजोरी की वजह से, कुछ हमारी अपनी कमजोरी या किसी की कमजोरी की वजह से यहाँ रुकी है, हम उसको भी जल्दी से जल्दी कोटा टाप पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो रोड एक ऊपर है तो जैसे कोटा टाप पड़े मेला, हम उसको भी कोटा टाप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों रोड मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्द कोटा टाप टच हो जाएंगी। और जितने भी रोडें हैं एवरी बड़ी, हमारे SDM साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सी रोडें SDM साहब ने बरेसा में जितनी भी रोडें रुकी पड़ी थी उनको पाए तकमील तक पहुंचाया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो बाकी जो आपने अमृत सरोवर का जिक्र किया, वहाँ अच्छा काम कर चल रहा है, वहाँ अच्छे ढंग से वो तालाब, उसको अमृत सरोवर के नाम से वो जाना जाता है, हम उसको जल्दी से जल्दी उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बाकी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तक आए, आपने हमारी बातें सुनी, बाकी आने वाले वक्त में भी हम अच्छे काम करेंगे, पब्लिक का साथ होना चाहिए, मुझे अगर पब्लिक का साथ हुआ तो इंशाल्लाह आगे भी हम काम करते रहेंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सरपंच पंचायत खड़गल चौधरी मुश्ताक साहब, इसके साथ ही भलेसा से JK अपडेट के साथ राजा अक्रम मुझे दीजिए इजाजत। थोड़ा सा मिलाकर ये, जब कोई सरपंच ही किसी पंचायत में काम करवाएगा तभी जाकर वो हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे खड़गल पंचायत है, इसमें तकरीबन हर जगह का काम, जो भी काम है अच्छी तरह से चल रहे हैं, जो टेंडरों पर काम है, या जैसे ये यहाँ पर किल्लू एक धार में एक मंदिर के पास जो ये टाइल वर्क का काम है, यहाँ पर मटेरियल बहुत दूर से लाना पड़ता है, टाइलें जम्मू से लानी पड़ी, बजरी गूंदों से आती है, बहुत खर्च आता है इन कामों पर। तीसरा सीज़न भी जो है बहुत गलत है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के काम है, मुत्तू में पूरे करके देने होते हैं, तो काम भी यहाँ पर ग्राउंड पर जो कुछ भी हैं। तो इस बारे में हम फिलहाल, अगर किसी पंचायत का कोई सरपंच काम करवाने वाला होगा तभी जाकर उस पंचायत के काम होते हैं, अगर ना करवाने वाले होंगे तो फिर फॉर्मेलिटियाँ होती हैं जैसे आगे पीछे भी होती रहती थी। तो आज का हम सरपंच साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया करते हैं, जो आप इस दूर दराज पहाड़ी पर आकर ऐसे हमारे कामों को देखने आए हैं सड़क। और तीसरा यहाँ है कि अब ये फिलहाल तो हम गुरु